दोस्तों नमस्ते, चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं। फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग जो मार्च के महीने में मार्च के 30 तारीख तक की होनी थी, उसकी जो वीडियो बननी थी वो थोड़ी इस बार थोड़ी डिले हो गई है, तो अभी बना रहा हूँ। उसमें जिन जिन की कुंडली सिलेक्ट हुए उनकी मैं रीडिंग करने वाला हूँ, उन दो सवालों के जवाब प्रोवाइड करूँगा। साइमल्टेनियसली यही बोलूँगा जो कि आप लोगों की भी अगर अपनी कुंडली फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग में डलवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर हाई लिख के भेज दीजिए, मैं फर्दर डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा। जब भी मैं फ्री होता हूं तो फर्दर डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिएगा और उसके अंदर मैं आपको फर्दर डिटेल्स जो दूंगा वो प्रोवाइड कर दीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेजना जरूरी है। उसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं तभी कुंडली सिलेक्शन प्रोसेस में जाती है फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग के लिए। उसके अलावा आपके जो डिटेल्स मैं मांगता हूँ वो भी प्रोवाइड करना जरूरी होता है। अगर वो प्रोवाइड नहीं होता है तो आपकी कुंडली चार्ट रीडिंग नहीं हो पाती है, सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं आता है। एक और चीज़ है जो कि फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग सिलेक्टेड लोगों के लिए होती है, सबकी नहीं होती है। दो सिलेक्शन प्रोसेस में जाते हैं उसमें से जिनकी कुंडली सिलेक्ट होती है उनकी ही रीडिंग होती है और उनके दो सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो आपकी भी अगर कुंडली सिलेक्ट होती है तो आपके भी दो सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और इसके अलावा यही कि अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पर मैसेज या कॉल मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और आपको उसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप ज़्यादा डिले ना करते हुए सबसे पहली जो कुंडली है उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। हर्षिता की कुंडली है। हर्षिता, आपका जो लास्ट का नंबर है वो 984 है मोबाइल का। आपने दो सवाल पूछे कि गवर्नमेंट जॉब किस फील्ड में होनी चाहिए और ग्रेजुएशन कोर्स किस में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अभी आप ग्रेजुएशन परस्यू नहीं कर रही हैं, आपने अभी अपना एग्जिट 12th दिया होगा, आप अभी हायर सीनियर सेकेंडरी आपने दी होगी तभी आप ग्रेजुएशन का पूछ रही होंगी। देखिए हर्षिता, आपका जो लगन है वो क्या बोलते हैं लिब्रा है, तुला लगन की राशि है और गुरु इसमें लिब्रा लगन में आपके लगन में ही बैठे हैं। तो गुरु अपनी पांचवी दृष्टि से एजुकेशन के हाउस को देख रहे हैं और नवम दृष्टि से भाग्य को देख रहे हैं। हालांकि शुक्र के साथ गुरु की खास अच्छी मित्रता होती नहीं है, बट दोनों गुरु हैं तो एक दूसरे की एक का सम्मान जरूर करते हैं। शुक्र आपका तीसरे घर में जाके बैठ गया और यहाँ पे राशि परिवर्तन हुआ है तो आपके छोटे भाई बहनों से आपको जरूर हो सकता है लाभ मिले और आप जो भी मेहनत करेंगे अपनी मेहनत से और अपने करेज से जरूर आपको फायदा मिलेगा। छोटे ट्रैवलिंग से भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा अपने जीवन काल में। तो अगर आप ऐसी जॉब ढूंढ रही हैं जिसमें आपको फायदा मिले या आपकी ग्रोथ हो तो मैं यही बोलूंगा जी कि शनि आपके दसवें घर में बैठा और चंद्रमा के साथ बैठा और चंद्रमा खुद ही अपने दसवें घर का मालिक होकर दसवें घर में बैठा है तो आप यहाँ पे सर्विस सेक्टर पे जरूर जा सकती हैं। सर्विस सेक्टर मतलब आप मेडिकल लाइन में जरूर जा सकती हैं, मेडिसिन से लेकर आप पढ़ाई कर सकती हैं, नर्सिंग और डॉक्टर, मेडिसिन या सर्जरी, सर्जन या फार्मा के रिलेटेड आप कुछ भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे गुरु आपकी ज़रूर मदद करेगा। बुध आपके सेकंड हाउस में बैठा है तो कम्युनिकेशन भी हालांकि कंबस्टेड है सूर्य के साथ है तो हो सकता है कम्युनिकेशन में थोड़ी सी एग्रेशन हो। इस कारणवश मैं यही बोलूँगा जी कि अपने कम्युनिकेशन से अपना लाभ लेने की कोशिश करिए क्योंकि बुध सेकंड हाउस में बैठा है लेकिन कंबस्टेड है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हालांकि अगर अच्छा रहे, अगर आपने अच्छे कर्म किए तो उसमें आपको बुध सपोर्ट जरूर करेगा। अगर आपकी सरकारी नौकरी कब लगे तो उसकी रिगार्डिंग अगर पूछा जाए तो आपको बुध को उपाय करने पड़ेंगे क्योंकि 2027 के 25 के बाद आपका बुध की महादशा लग रही है। उस वक्त आपको थोड़े आपका भाग्य शो के दूसरे घर में बैठा है तो कम्युनिकेशन रिलेटेड काम आपको जरूर अच्छा मिलेगा और भाग्य का सपोर्ट मिलेगा लेकिन उसमें बुध वीक है। यहाँ पे सरकारी नौकरी करने के लिए अभी भी आप सरकारी जॉब ढूंढ सकते हैं लेकिन अभी आपका एजुकेशन वैसा हुआ नहीं होगा तो बुध के महादशा में आपको जरूर सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस हैं। और जब भी बुध के अंदर अगर जब भी माफ कीजिएगा चंद्रमा की अगर कभी भी अंतरदशा आती है कभी भी आती है उस समय में आपको ज़रूर कोशिश करना चाहिए, आपको ज़रूर सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस हो सकते हैं। इस वक्त भी अगर आपकी एजुकेशन के बेसिस में अगर आप नौकरी ढूंढना चाहें तो आपको मिलेगा लेकिन क्या वो आपके फलित आपके पसंद का होगा ये नहीं कह सकता क्योंकि अभी आप अपनी एजुकेशन पर फोकस करें तो अच्छा है। आपके लिए एजुकेशन फील्ड में ज़्यादातर अच्छा है, टीचिंग अच्छा होगा आपके लिए, लॉ अच्छा है और आपके लिए मेडिसिन अच्छा है। इसके अलावा आप जो भी फील्ड लेना चाहें आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप ऐसा काम भी कर सकते हैं जिसमें आपकी ड्यूलिटी हो
जैसे मेडिकल लाइन में डॉक्टर्स के लिए ड्यूलिटी होती है, वो पर्सनल क्लिनिक भी चलाते हैं और हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो ऐसी चीज़ें भी आप कर सकती हैं, ऐसे फील्ड में भी आप जा सकते हैं, उसके लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट जॉब आप ज़रूर ट्राई करिए, गवर्नमेंट जॉब में आपको सफलता मिलने के ज़रूर चांस है, लेकिन आप अपनी मेहनत से ही गवर्नमेंट जॉब में सफलता पाएंगी और आपकी मेहनत आपको करते रहना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। अभी भी आप कोशिश कर सकते हैं, 2 साल के लिए गुरु आपके आपके अंतरदशा में आया है, शनि के अंदर, शनि की महादशा चल रही है आपकी, तो इस वक्त भी आप चाहे तो कोशिश कर सकते हैं, बट मुझे आपके एजुकेशन का नहीं पता। आप अपने बर्थ प्लेस से बाहर भी नौकरी अगर ढूंढना चाहें तो मिल सकता है, लेकिन आप हो सकता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बाद में हो, तो इस कारणवश मैं यही बोलूँगा कि सर्विस सेक्टर में जाने का कोशिश करिए। सर्विस लाइक मेडिसिन हो गया, जॉब लॉ हो गया या टीचिंग हो गया, ऐसी जो चीज़ें हैं उसमें जाने की कोशिश करिए, उसमें आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा और ड्यूलिटी रहेगी, बिजनेस भी चलेगा और नौकरी भी रहेगी। और अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है, उसकी कोशिश करते रहिएगा, हो सकता है जी कि आपकी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। फुल फ्लेज यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूर कहूँगा जी कि अच्छा चांसेस है, लेकिन फुल फ्लेज कब होगा इसकी मैं नहीं कह सकता, बुध चंद, क्योंकि आपकी कुंडली में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो हो सकता है जी कि उनका फल आपको अभी आप जो आप थिंकिंग कर रहे हैं वो, और जब आप बड़ी होंगी तो आपकी मेच्योरिटी बढ़ेगी, तब आपकी थिंकिंग में डिफरेंस है। लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब अगर ट्राई करना चाहते हैं तो करते रहिए, बाद में अगर हो सके तो आप छोड़ दें तो छोड़ दें, आपकी मर्जी होगी, वो तो आपका ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आई होप आपके सवालों का जवाब दिया हर्षिता मैंने, अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। जो कुंडली आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूं, जो मैं इधर बोलने वाला था, हाँ हर्षिता के लिए, हर्षिता बुध के उपाय करिएगा, कुछ हरी चीज़ें बुधवार को डोनेट करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगली महादशा बुध की आ रही है, उसमें आपकी बुध थोड़ा सा वीक है तो उसको स्ट्रांग होगा, तो कुछ ग्रीन प्रोडक्ट्स जो हैं उसको डोनेट करने की कोशिश करिए, वेनसडे को डोनेट करने की कोशिश करिए, और यही और कुछ जो भी उपाय बुध के होंगे, बर्ड फीड वगैरह जो हो वो सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। अच्छा, दूसरा जो कुंडली है वो बीना जी की है। बीना जी, आपने मुझसे जो सवाल पूछा, फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबिलिटी मतलब कैसी रहेगी और अपना घर कब बनेगा, बीना जी ऐसा है कि घर तो होना चाहिए आपका, आपका शुक्र जो है वो आपके सेकंड हाउस में बैठा है, फिक्स्ड हाउस में बैठा है, शुक्र का जो मालिक है, जिस सेकंड हाउस का मालिक होके सूर्य आपके लग्न में बैठा है, सिर्फ दोष यहाँ पे है कि राहु की साथ बैठा हुआ है सूर्य यहाँ पे, तो लेकिन ये दोष नहीं है, देखा जाए तो मन थोड़ा सा ज़रूर ख़राब रह सकता है, या आपका पर्सनैलिटी थोड़ा सा गुस्से वाला हो सकता है, या आप थोड़े से ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वाली पर्सनैलिटी हो सकती है, लेकिन घर आपका बनने का मुझे समझ नहीं आ रहा क्या नहीं क्या हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि ये भी रीज़न हो सकता है जी कि आप किसी के साथ रहती हैं, आप किसी की फैमिली, आप अपनी जॉइंट फैमिली में या किसी घर में रहती हैं और उनका उनके घर में आप रहती हैं और आप चाहती हैं अपना घर हो, तो ये आपका डिज़ायर हो गया, ज़रूर ये डिज़ायर है, लेकिन पॉइंट ये है जी कि अगर आप ये कहते हैं आपके सिर पे कोई छत नहीं है, आप रेंट पे रह रही हैं, ऐसा मुझे सिनेरियो नहीं दिखाई देता, ऐसा आपने बोला भी नहीं है मुझे, बट ऐसा सिनेरियो मुझे दिखाई नहीं देता। आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे आपको लग्जरी ज़रूर प्रोवाइड की जा रही है, आपको लग्जरी और पैसे की कोई कमी नहीं है, आपके फिक्स एसेट्स से आपको ज़रूर लग्जरी मिल रही है। अब बात ये बता दूँ जी कि ज़रूर आपकी कुछ चीज़ों में दिक्कत है, मंगल आपके 12वें घर में जाके बैठा है, हालांकि मंगल 12वें घर में बैठा है और बुध भी जाके 12वें घर में जाके बैठ गया है, 12वें घर का मालिक होके बुध 12वें घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बुध ऐसे उतना नेगेटिव नहीं देगा क्योंकि बुध अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़रूर ये बोलूँगा जी कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस में आपको इम्प्रूवमेंट अगर चाहिए तो आपको सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा और शिव जी की आराधना करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके आय के घर में चंद्रमा बैठे हुए हैं और चंद्रमा आपके लग्नेश होकर आय के घर में बैठे हैं, मुझे नहीं लगता जी कि आपको कोई भी लिक्विड एसेट्स की कोई कमी रही होगी, या आपकी जो आपको जो एक पैसे की जो जो चीज़ें हैं उसमें कोई कमी रही होगी, आपको पैसा तो ज़रूर मिलता है, लेकिन हाँ वो टिकने में ज़रूर हो सकता है जी कि वो बाहर कहीं खर्चा हो जाए या कुछ हो तक कुछ और रीजंस हो, उसका मैं ज़रूर कह सकता हूँ। हाँ, अगर आपको अपने एसेट्स बनाने या पर्सनल ग्रोथ चाहिए, फाइनेंस स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको अपनी लाइफ के प्रेजेंट जो बर्थ प्लेस है उससे दूर जाना पड़ेगा, आपको अपने बर्थ प्लेस से दूर आपको अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि बुध अगर 12वें घर में बैठे हैं तो जो लिक्विड मनी है या कैश फ्लो है और जो मेहनत का भी जो जो असर है वो सारा का सारा आपको अपने बाहर से मिलेगा, और मंगल भी जाके 12वें घर में जाके बैठ गए 10वें घर का ओनर होके और भाग्य का बच्चों का ओनर हो गए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है जी कि अगर आप कुछ भी काम कर रही हैं, अगर आप कहीं रहती हैं, तो अगर आपके बर्थ प्लेस से दूर है तो आपको ग्रोथ अच्छा मिलेगा, आपको ग्रोथ
स्टेबल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे राहु के लगन में होने के कारण और सूर्य के साथ होने के कारण यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको राहु कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज़ दे रहे हैं और आपकी पर्सनल लाइफ में भी डिफ़िकल्टीज़ दे रहे हैं। शायद इस कारणवश भी आप अपना घर ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। तो मैं यही बोलूँगा जी कि आप डॉग फिट कर सकती हैं। राहु के उपाय आपको करने पड़ेंगे, आप चंद्रमा के भोलेनाथ की पूजा करिए, डॉग फिट करिए और हो सके तो आप सूर्य नमस्कार भी करिए। सूर्य नमस्कार करिए, गायत्री मंत्र का पाठ करिए और ओम सूर्याय नमः बोलिए और इन सब चीज़ों का आप डेली बेसिस पे रूटीन में इनको डालने की कोशिश करिए। और सूर्य के अगर कोई और मंत्र आपको अच्छे लगते हो, पसंद हो, तो वो मंत्र ज़रूर आप पाठ करने की कोशिश करिए, क्योंकि सूर्य आपके सेकंड हाउस का ओनर होकर, फिक्स हाउस का ओनर होकर लग्न में बैठा है, तो इस कारणवश आपको ज़रूर यहाँ पे सूर्य हेल्प करेगा। पर राहु के साथ रहने के कारण हो सकता है उसकी पावर में थोड़ी कमी आई हो। अभी आपका गुरु की महादशा चल रही है और मंगल उसके अंदर चल रहा है, तो कोशिश अगर करेंगी तो आपको ज़रूर बाहर कुछ ना कुछ ज़रूर ग्रोथ मिलेगा, फाइनेंशियल ग्रोथ ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपका जो भी ग्रोथ है वो खर्चा हो जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए मैं यही बोलूँगा जे कि मंगलवार को और शनिवार को कुछ डोनेट करिए चंद्रमा के लिए और अपनी लगन को स्ट्रांग करने के लिए। भोलेनाथ को आप आराधना करिए, माँ दुर्गा की आराधना करिए और या माँ काली की कोई भी शक्ति की आराधना करिए, सूर्य नमस्कार करिए और राहु के लिए डॉग फिट करिए, केतु के लिए भी डॉग फिट करिए, क्योंकि यहाँ पे सातवें घर में केतु बैठा है, कहीं ना कहीं मुझे डिसअपॉइंटमेंट दिखती है पर्सनल लाइफ में भी, तो उस कारणवश भी हो सकता है जी कि आप थोड़ी परेशान हैं स्टेबिलिटी को लेके, तो अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करिए। एक मिनट, गुरु की वजह से अगर टिकेगा तो टिकेगा आपके पर्सनल लाइफ में, लेकिन वो एक अगर पर्सनल लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी है और उसको आप खींच रही हैं तो वो गुरु की वजह से ही खींच रही हैं, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे। गुरु यहाँ पे देखा जाए तो भाग्येश का भी मालिक है, आपका भाग्येश का मालिक होकर तीसरे घर में आप अपनी मेहनत करिए, ज़रूर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और अच्छा ग्रोथ मिलेगा, लेकिन गुरु के साथ भी शनि बैठे हुए हैं, इस कारणवश भी थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी मिल रही है। अगर आप चाहें तो कुछ ऐसा, अगर आप कुछ चाहें तो क्या आपसे इस कुंडली में थोड़ी चीज़ें हैं जो और जानने की ज़रूरत है। अगर पर्सनल रीडिंग होती तो मैं ज़रूर बता पाता, लेकिन यहाँ जो दो सवाल पूछे गए उस हिसाब से गुरु की महादशा, आपके भाग्येश की महादशा चल रही है, तो इस कारणवश ये ज़रूर बोलूँगा जी कि आप थोड़ी सी आपके लिए अच्छा ही है ये, लेकिन हाँ अगर 25 के बाद राहु की अंतरदशा लगेगी गुरु के अंदर और 3 साल की लगेंगी, अगर आप डॉग फिट करेंगी और अगर मैंने जो उपाय हैं बताए हैं वो करेंगी तो राहु यहाँ पे आपको क्या पता चमत्कारी असर दे जाए, भाग्य को चमका के चले जाए, कुछ भी ग्रोथ दे सकता है राहु यहाँ पे, किसी की कोई आप नहीं कह सकती हैं, ग्रोथ अच्छा दे सकता है राहु। बहरहाल आपके उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सवालों के जवाब दिए हैं, अगली कुंडली की तरफ जाते हैं। ये जो आखिरी कुंडली है वो खुशी की है, खुशी के दो सवाल थे जी कि शादी और करियर से रिलेटेड दो सवाल पूछे हैं खुशी ने, और अपना पर्सनल बोला था जी कि कुछ इनके एंगेजमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई है। खुशी अब मुझसे ये पूछना चाहती है कि इनका करियर कैसा रहेगा और शादी कैसी रहेगी। खुशी आपका जो लगन है वो टॉरस लगन है, दूसरा नंबर लिखा है और उसका जो मालिक है वो शुक्र होता है, वीनस होता है। यहाँ पे शुक्र जो है वो छठे घर में जाके बैठा है केतु के साथ में, हालांकि शुक्र अपने ही लगन में बैठा हुआ है लेकिन केतु के साथ में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे जो भी है खुशी, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जो पर्सनैलिटी है वो आपको अकेला करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कुछ केतु जो शुक्र के साथ बैठ गया है इस कारण में लगन जो बैठ गया है लगन को पर्सनैलिटी को अकेला कर रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ा वीक कर रहा है पर्सनैलिटी को। आप अपने बर्थ प्लेस से दूर करियर बनाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि राहु आपके 12वें घर में बैठा है, ये तो साइन ज़रूर दिखाता है जी कि आपको करियर आपका जो है वो ग्रोथ आपका अपना जो वर्क होगा वो आप अपने बर्थ प्लेस से दूर बनाएंगी। आपकी महादशा शनि की चल रही है और अंतरदशा बुध की चल रही है, बुध पंचम स्थान में बैठा हुआ है, पंचम स्थान मतलब एजुकेशन के घर में बैठा है और उच्च का होकर बैठा है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है। ये बोलने के बाद मुझे ज़रूरत नहीं है जी कि किसी और चीज़ को आगे बताने की जी कि आपको क्या फोकस करना चाहिए इस वक्त, बट अगर आपने पूछा है तो मेरी जिम्मेदारी बन रही है आपको अपने एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए, अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, शादी इन सब चीज़ों पे अभी आपका समय नहीं आया है।
भाग्य का मालिक हो के शनि और कर्मेश का मालिक हो के शनि, यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए योग कारक प्लैनेट हो के शनि दूसरे स्थान में बैठा हुआ है, फिक्स एसेट के स्थान में बैठा हुआ है, घर संपत्ति जहाँ होती है उस घर में बैठा हुआ है। इस महादशा में जो आपकी महादशा, एक लंबी महादशा आई है ये शनि की, करीबन करीबन आपकी अभी जो महादशा वो चलेगी 2038 तक चलेगी। ये महादशा आपको बहुत कुछ देके जाएगी और बहुत कुछ सिखा के जाएगी। इस महादशा में जो आपने जो शादी और जो भी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों से आगे बढ़ के सोचने का सिखाएगा शनि। और बुध जो ऊंच का होकर बैठा है यहाँ पे एजुकेशन में बहुत आगे पहुँचाने वाला है, एजुकेशन पे और करियर फील्ड में यहाँ पे ये आगे पहुँचाएगा। 2025 तक का समय आपके पास है जून का, आप जो चाहें वो करना चाहें वो कर सकती हैं, क्योंकि बुध यहाँ पे आपको अच्छा ग्रोथ देगा करियर में। ज़रूर ये ज़रूर बात होती है जी कि बुध यहाँ पे महादशा अंतर अपने ही घर में पंचम स्थान में बैठा है, तो रिलेशनशिप और लव को लेके कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग प्रोवाइड करेगा। बॉयफ्रेंड या लव को रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको शनि ये कहीं ना कहीं ये सिखाने की कोशिश करेगा जी कि इससे परे सोचिए, अपने करियर के बारे में सोचिए। शादी अभी आपकी मुझे खास दिखाई नहीं दे रही है, शादी आपकी होनी चाहिए जब भी मंगल की अंतरदशा लगे तो हो सकता है आपकी शादी हो, या शुक्र की अंतरदशा लगे या चंद्रमा की अंतरदशा लगे तब शादी होने के चांसेस हो, लेकिन बेहतर तो यही रहेगा जी कि इस समय में शनि का अच्छा फुल फ्लेज फ़ायदा उठाएँ और अपने पिता से जो भी आपको सपोर्ट मिले उसका फ़ायदा अपनी ग्रोथ पे लगाएं, अपनी कम्युनिकेशन पे लगाएं, ठीक है। आपके पेरेंट्स से आपको अच्छा फ़ायदा मिलने के चांसेस हैं, अगर आप समझदारी से काम करेंगे अपने करियर को लेके तो अच्छा आपको ग्रोथ मिलेगा, अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अभी शादी का समय मुझे दिखाई नहीं देता है और केतु लगन, आप दिक्कत यहाँ पे यही है जी कि भाग्य आपका बहुत स्ट्रांग है और भाग्य आपको कहीं और खींचना चाहते हैं। अगर यहाँ पे कुछ वीक है तो आप खुद वीक हैं, यहाँ पे आपकी खुद की पर्सनैलिटी वीक है कहीं पे, और आप जो आपका जो मन है वो कहीं ना कहीं भटक रहा है कुछ चीज़ों को लेके, उस वजह से आप जो डिसीजंस है वो शायद नहीं ले पा रही हैं या कंफ्यूज हो रही हैं, या जो ले रही हैं वो शायद आपके भाग्य के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो उम्मीद यही करता हूँ जी कि अपने करियर पे ग्रोथ का लेके आप फोकस करेंगे अपने करियर को लेके, क्योंकि ये जो महादशा शनि की है ये बेहतरीन जाने वाली है। हाँ, आपको बहुत कुछ सिखाएगी, स्लो ग्रोथ होगा, स्लो प्रोग्रेस होगा, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी ये महादशा, आपको अच्छा ग्रोथ दे के जाएगी और आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर देके जाएगी। बट वो कैसे फ़ायदा देगी वो मैं नहीं कहूँगा, वो कुछ दुख के साथ ही शनि सुख का भोग करवाते हैं, दुख का भोग होगा तभी सुख का भोग होगा, अब दुख कैसा होगा वो देखना पड़ेगा। बहरहाल वो सवाल नहीं था, करियर में आप अपना अभी सोचिए, एजुकेशन का आगे फोकस करिए, अब आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, अभी भी आप फर्दर एजुकेशन अगर आप करना चाहते तो करिए। ये था मेरा रीडिंग आप सभी के लिए, उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी रीडिंग पसंद आई हो या और समझ में आई होगी, और फर्दर रीडिंग के लिए अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराना है तो डिस्क्रिप्शन में आप मुझे जो नंबर दिया है उसमें आप व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, उसके लिए वो चार्जेबल होती है, उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और फ्री की तो चलती है रीडिंग। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, धन्यवाद।